एक तरफ विराट कोहली के बैट से रन नहीं रुक रहे हैं तो दूसरी तरफ विराट कोहली से रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। मतलब जितने मैचेस अभी तक खेले हैं उसमें से सिर्फ एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, बाकी जितने मैचेस हुए उसमें उन्होंने जीत जो है वो हासिल की है। अब ये जो मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो हमारी मैच हुई है उसमें भले ही इंडिया की जीत हुई हो लेकिन काफ़ी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिली है। मतलब मैच जो है वो लास्ट ओवर तक गई और दोनों ही मैचेस में जो कंट्रोवर्सी है वो हमें देखने को मिली। अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैच की बात करते हैं तो जो विराट कोहली है उन्होंने जो फाइनल ओवर चल रहा था उस दौरान जब एक सिक्स उन्होंने मारा तो जो अंपायर है उनसे नो बॉल की मांग की और अंपायर ने उस वक्त नो बॉल भी दे दिया। और दूसरी बार जो नो बॉल है उस पर फ्री हिट मिलने के बाद विराट कोहली उस बॉल पर बोल्ड हो गए थे, आउट हो गए थे, लेकिन जो नो बॉल होता है, फ्री हिट होता है, उसमें आउट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए विराट कोहली ने उस दौरान 3 रन जो है वो लिए जिसकी वजह से इंडिया जो है उसके जीत में काफ़ी बड़ा योगदान उन 3 रनों का रहा। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये हुई, अपोजिशन है उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर फ्री हिट है और उसमें अगर कोई बैट्समैन बोल्ड हो जाता है तो वो बॉल डेड बॉल हो जाती है और उस पर रन जो है वो नहीं लिए जा सकते हैं। खैर ये तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। बाद में हमारी बांग्लादेश के साथ मैच होती है जो हम 5 रन से जीत लेते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो उनके विकेट कीपर है उनके द्वारा कुछ ऐसी बात बोली जाती है जिससे कि ये जो विराट कोहली का मामला है, कॉन्ट्रोवर्सी है, ये और ज़्यादा सुर्खियों में आ जाती है। उनके द्वारा बोला जाता है कि जब उनके बीच में मैच हुई थी तो 7th ओवर के दौरान विराट कोहली के द्वारा फेक फील्डिंग की गई और फेक फील्डिंग के वजह से बांग्लादेश को 5 पेनल्टी रन मिलने चाहिए थे जो कि अंपायर के द्वारा नहीं दिए गए। और ये भी कहा गया कि अगर वो 5 रन, क्योंकि बांग्लादेश 5 रन से हारा है, तो उनका ये बोलना था कि भाई अगर 5 रन हमें मिल जाते पेनल्टी के रूप में तो शायद बांग्लादेश जो है वो मैच जीत लेता था। अब फेक फील्डिंग होती क्या है? देखिए क्या होता है कि आप जब फील्डिंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आपकी तरफ अगर बॉल आता है तो आप वो बॉल जो है वापस करोगे, या तो बॉलर के पास करोगे या तो कीपर के पास करोगे। अब अगर आपके पास बॉल आए ही ना और अगर आप सिर्फ प्रिटेंड करो कि आपके पास बॉल है और आप फेंकने की कोशिश करो तो क्या होगा, जो बैट्समैन है वो यहाँ पर दंदरा जाएगा। बैट्समैन जो है वो थोड़ा यहाँ पर मतलब उससे समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है, किसके पास एक्चुअल में बॉल है ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी बैट्समैन ने बॉल स्ट्राइक किया, बॉल स्ट्राइक करने के बाद अगर कोई फील्डर प्रिटेंड करता है कि उसके पास बॉल आया, जबकि उसके पास बॉल आया भी नहीं है, सिर्फ प्रिटेंड करता है कि उसके पास बॉल आया है और वो थ्रो करने की कोशिश करता है जिससे कि बैट्समैन अगर 2 रन भागने वाले थे उसकी वजह से 1 ही रन भागते हैं या फिर 1 भी रन नहीं भाग पाते डर की वजह से कि कहीं इसके पास तो बॉल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये होती है फेक फील्डिंग, और विराट कोहली के द्वारा फेक फील्डिंग की गई है ऐसा ही बोला गया, क्योंकि जब यहाँ पर 7th ओवर चल रहा था उस दौरान बॉल जो है उसे मारा गया और विराट कोहली के पास बॉल नहीं आ रहा था, स्टिल यहाँ पर विराट कोहली ने जो है वो एक्शन किया ऐसी कि वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, उनके पास बॉल आया और वो थ्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फेक फील्डिंग जो है उसका इल्ज़ाम लगाया गया और ये कहा गया कि उन्हें 5 रन जो है पेनल्टी के रूप में बांग्लादेश को मिलने चाहिए थे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने, इवन हर्षा भोगले जो, उन्होंने भी कहा कि ये जो फेक फील्डिंग की बात की जा रही है ये एक्चुअल में विराट कोहली ने ऐसा किया, किसी ने देखा नहीं। मतलब उस टाइम पर जब ये हो रहा था उस टाइम पर ना ही अंपायर का ध्यान था ना ही बैट्समैन का ध्यान था, क्योंकि जब पाकिस्तान की हम बात करते तो विराट कोहली ने यहाँ पर खुद होकर बोला कि भाई नो बॉल है, उस तरीके से अगर बैट्समैन यहाँ पर बोलते तो शायद हो सकता था कि वहाँ पर कुछ सिनारियो चेंज हो। इसके बारे में रूल क्या कहते हैं? देखिए रूल की अगर हम बात करें तो फेक फील्डिंग अगर होती है, ये साबित हो जाता है कि हाँ फेक फील्डिंग हुई है, तो वहाँ पर 5 पेनल्टी रन्स यहाँ पर बैटिंग टीम को जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश 5 रनों से हारी और ये 5 पेनल्टी रन 7th ओवर में अगर बांग्लादेश को मिल जाते तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये जो 5 रन है ये उसमें काउंट होते लास्ट इसमें और बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीत जाती, क्योंकि हो सकता था उस वक्त इंडिया जो है वो और अलग तरीके से टैक्टिक्स यूज करके डिफेंड जो है वो करने की कोशिश करता। तो इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अगर 5 रन मिल भी जाते फिर भी यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो मैच जीत जाती। दी एंड, विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, इंडियन टीम ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही है, इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाकी उन्होंने तो अपना ड्रीम फॉलो कर लिया है, आप भी अपना ड्रीम फॉलो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।